इस वक्त पवन खेड़ा इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, प्रदीप कुरकुलर का जिस तरीके से सामने नाम आया है, आरएसएस से भी उसका कनेक्शन है, क्या कहना चाहिए? चार चार पीढ़ियों से आरएसएस के से जुड़े हुए हैं, खुद संस्कार भारती के वो संगठन मंत्री रहे हुए हैं और सरेआम पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे हों, ये पहला उदाहरण नहीं है। पहले भी आरएसएस के विषय में ऐसी कई जानकारियां मिलती रही हैं। तो अब प्रधानमंत्री, क्योंकि डीआरडीओ सीधा उनके अंडर आता है, इस पर जवाब दें कि वो क्या कर रहे हैं, ये क्या, किस तरह के संबंध हैं पाकिस्तान के साथ आरएसएस के, और आरएसएस से क्या मांग करते हैं? आरएसएस से क्या मांग करनी, गैर पंजीकृत संगठन है, क्यों उससे क्या मांग करेंगे? लगता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ लगातार खिलवाड़ बिल्कुल हो रहा है। प्रधानमंत्री जवाब दें, देश के प्रधानमंत्री हैं, लोगों के वोट से चुने गए हैं, क्या इसलिए लोगों ने वोट दिया था कि आरएसएस पाकिस्तान के साथ जासूसी करे? सर, कर्नाटक में आज वोटिंग हो रही है, कांग्रेस पार्टी का क्या कहना है? भारी बहुमत से हम जीत रहे हैं, हमारी पांचों गारंटियों को भरपूर जनसमर्थन मिल रहा है, लोगों का प्यार मिल रहा है, हम 13 तारीख को भारी बहुमत से जीतेंगे और अपनी एक अच्छी सरकार देंगे। ठीक है।